उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरा देश के टेम्परेचर का टॉर्चर झेल रहा है। राजधानी देहरादून में तो गर्मी ने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, पारा 43 डिग्री के पार पहुंच गया। हाल यह है कि लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। बढ़ती गर्मी के बीच अब बिजली घर के नखरे भी बढ़ते जा रहे हैं। हर रोज सुबह से शाम तक बिजली आंख मिचौली का खेल खेल रही है। उधम सिंह नगर में एक और जहां भीषण गर्मी और लू से बचने से लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस बेतहाशा गर्मी में बिजली की कटौती और लो वोल्टेज से लोगों का जीना दूभर हो गया है और जनता बेहद परेशान है। लाइट के ऐसे मसला चल रहा है, समथिंग 15-20 दिन होने वाले हैं और लाइट से बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। और एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और लाइट की वजह से जनता परेशान है। और गर्मी का और लाइट का मसला ऐसा हो गया है कि बगैर लाइट के और बगैर पंखों के तो रुके जा ही ना रहा है घर में। और गर्मी इतनी, गर्मी की समस्या से आदमी को बीमारियों से बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। बस यही मांगे कि विद्युत कटौती नहीं करे ज़्यादा। बत्ती गुल हो जाने के कारण लोगों को गर्मी से बचने के लिए पेड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। पर्याप्त बिजली न मिलने से लोगों में गुस्सा है, लेकिन विभागीय अफसर इससे बेसुध बने हुए हैं। विद्युत विभाग का कहना है कि बिजली का कोई संकट नहीं है, लेकिन अत्यधिक तापमान बढ़ने की वजह से लाइनों में फॉल्ट आ रहा है जिस कारण बिजली कट हो रही है। भी रोस्टिंग नहीं की जा रही है, बिजली का कोई इस तरह का संकट नहीं है, लेकिन अत्यधिक टेम्परेचर होने के कारण जो फॉल्ट बढ़ गए हैं, जहाँ पे फॉल्ट हो रहे हैं उसमें रात को भी स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं कि रात को भी कंप्लेन अटेंड करें और सप्लाई बहाल करें। जैसे लास्ट दो दिन से हमारे यहाँ इस तरह की कोई मेजर घटना नहीं हुई है और लगातार हम 24 घंटे बिजली देने के लिए बाध हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए उधम सिंह नगर से निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।